हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष मैथ पॉइंट पर। देखिएगा, अपन बात कर रहे थे कक्षा 8 की, और उसमें अपन ने एक चर वाले रैखिक समीकरण NCERT जो अपना BSCR राजस्थान बोर्ड है उसका एक्सरसाइज नंबर 2 की बात कर रहे थे। 2.1 कंप्लीट कर ली थी और 2.2 में अपन ने 8 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। तो आगे के जो क्वेश्चन है वो आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिएगा, 9th जो क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, और 9th जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन क्या है मैं देखता हूँ कि राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है, 4 वर्ष बाद उसकी उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा, इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो, राहुल अनुपात हारून, तो यहां वर्तमान आयु कितना दे रखा है, 5:7। तो देखिएगा, यहां क्या करूंगा, माना राहुल की वर्तमान आयु, और राहुल की वर्तमान आयु क्या मान लूं, 5x, और हारून की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 7x। तो यहाँ देखिएगा, राहुल की 4 वर्ष बाद आयु, देखिएगा यदि कोई आज जैसे मान लो कि राहुल आज 20 वर्ष का है तो 4 साल बाद 24 वर्ष का होगा, कैसे हुआ, 20+4, यदि आज वो 25 वर्ष का है तो 4 वर्ष बाद 25+4 = 29 वर्ष का हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ 4 वर्ष बाद की बात करें तो 5x+4 वर्ष हो जाएगा, ये भी वर्ष में है, ये भी वर्ष में है, और यहाँ भी क्या जाएगा, वर्ष में। इसी प्रकार हारून की 4 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगा, 7x+4 वर्ष। अब अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष है, तो यहां करता हूं प्रश्नानुसार क्या करेंगे, प्रश्नानुसार 5x+4+7x+4=56 वर्ष, क्योंकि दोनों की आयु का योग कितना है, 56 वर्ष है, तो वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हाँ, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए, 7 और 5 12x+4 और 4 8=56, तो यहाँ हो जाएगा 12x=56-8। इसको यदि सोल्व करना चाहें तो देखिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 12x का 12x, 56 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 48, तो यहाँ हो जाएगा x=48/12 और x=4, तो x का मान कितना आया, 4, और अपन ने राहुल की वर्तमान आयु 5x मानी थी और हारून की वर्तमान आयु 7x मानी थी, तो इसलिए अपन क्या कर लें कि राहुल की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 5×x=4=20 वर्ष। इसी प्रकार हारून की वर्तमान आयु 7×4=28 वर्ष। ये आपका क्या, तो समझ में आया, क्या है सर, तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 5 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिएगा कैसे करेंगे, जैसे बालक और बालिकाओं का अनुपात दे रखा है तो उनमें संख्या मान लेते हैं, और जो कंडीशन दे रखी है उसको क्या कर देते हैं, सेटिस्फाई कर देते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हो आप, और क्या है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात, तो यहाँ तो है बालक और यहाँ है बालिकाएं, ठीक है, यहाँ दे रखा है 7:5, कितना दे रखा है, 7:5। यदि अब तो यहाँ मान लें कि माना बालक कितने मान लूँ, 7x, और यहाँ बालिकाएं कितने मान लें, बालिकाएं कितने मान लें, 5x। अब प्रश्नानुसार जो कंडीशन दे रखी है वो क्या है, देखिएगा क्या दे रखा है कि यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, तो देखो यदि बालकों की संख्या
बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है? आठ अधिक है। देखिएगा ये कितना अधिक है? आठ अधिक है। ये कितना कम है? आठ कम है। यदि इन दोनों को बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, यदि इनमें दोनों में बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो या तो इसमें से आठ माइनस करो, क्योंकि देखिए समझने की बात क्या है कि मैं बात करूं जैसे बारह और यहाँ मान लो पाँच, तो मैं आपको ये कहूँ कि बारह पाँच से सात अधिक है, सही है, बारह पाँच से सात अधिक है, इसलिए इन दोनों को बराबर करने के लिए या तो माइनस का यहाँ सात करना पड़ेगा, यहाँ प्लस का सात करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ मैं प्लस का कितना कर देता हूँ? आठ कर देता हूँ। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे पाँच इधर ले आएंगे तो यहाँ पाँच एक्स, यहाँ सात एक्स माइनस पाँच एक्स बराबर आठ, और यहाँ हो जाएगा दो एक्स बराबर आठ, और एक्स का मान कितना आ जाएगा? चार। कितना आ जाएगा? चार। तो यहाँ बालक कितने माने थे अपन ने? सात एक्स, तो सात गुणा चार तो सात तो अट्ठाईस, और बालिकाएं कितनी मानी थी? पाँच एक्स, तो यहाँ हो जाएगा पाँच गुणा चार बराबर बीस। तो बालक तो हैं अपने अट्ठाईस और बालिकाएं कितनी हैं? बीस। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट यदि क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है इसमें? कक्षा में कुल विद्यार्थी, तो यहाँ पर ज्ञात करता हूँ कक्षा में कुल विद्यार्थी, कक्षा में कुल विद्यार्थी, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 28 और 20 कितने हो गए? 48 विद्यार्थी कक्षा में। तो आपको आंसर यह है, यदि आपको बालक और बालिकाओं की संख्या अलग अलग पूछे तो आ जाएगा 28 और 20 अलग अलग आ जाएगा, बालक 28 बालिकाएं 20, और यदि कुल पूछे तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन क्या है कि बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 28 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। देखिएगा क्या करते हैं यहाँ पे, अपन क्या कर लें कि बाईचुंग है कोई छात्र या कोई भी मान लो कि एक बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 28 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं पिताजी, तो अपन क्या मान लें कि माना बाईचुंग की वर्तमान आयु के बराबर कितने मान लें? x वर्ष। अब देखिएगा प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जो उसके पिताजी हैं वो दादाजी से तो क्या है 29 वर्ष छोटे हैं, ठीक है, सॉरी 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, तो उसके पिताजी की आयु, पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी? देखो यदि खुद की x है तो पिताजी 29 वर्ष बड़े होंगे तो x प्लस कितने? 29 वर्ष। और उसके दादाजी, दादाजी की आयु, अब देखो दादाजी की आयु, देखो यहाँ समझना कि बाईचुंग जो है उसकी आयु तो वर्तमान x है और जो उसके पिताजी हैं उसकी आयु बाईचुंग से 29 वर्ष ज़्यादा है, तो 29 इसमें जोड़ देंगे। अब क्या कह रहा है कि बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो बाईचुंग है उसके दादाजी उसके पिताजी से कितने बड़े हैं? 26 वर्ष बड़े हैं, तो इसका मतलब दादाजी हो जाएंगे x प्लस 29 प्लस 26 वर्ष। इसको यदि जोड़ूं तो x प्लस कितने हो जाएंगे? 55, ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस कितना हो गया? 55, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है कि यदि उन तीनों की आयु का योग, तो तीनों की आयु का योग 135 है, तो प्रश्नानुसार मैं क्या करूं उन तीनों की आयु का योग, तो एक्स प्लस 29 प्लस एक्स प्लस 55 बराबर 100 कितना? 35। आई बात समझ में? यहाँ एक दो और कितने हो गए? 3x प्लस 9 और 5 14, 5 दो 7 एक 8 बराबर 135। तो यहाँ बात करें 3x बराबर 135 माइनस कितने? 84, तो 3x बराबर 8 5 13, तो सॉरी हाँ 8 5 13, तो यहाँ x बराबर 51/3 और कितने हो जाएंगे? 17। तो x का मान कितना आया आपके पास? 17 आया। कितना आया? 17 आया। अब पूछा क्या है इस क्वेश्चन में वो देखते हैं। इसमें पूछा है कि उनकी आयु अलग अलग ज्ञात करो, तो इसका मतलब देखो बाईचुंग, बाईचुंग तो क्या माना था अपन ने? x माना था, ठीक है, तो बाईचुंग की जो आयु है वो तो है 17 वर्ष, ये क्योंकि x का मान माना था, और पिताजी की आयु, पिताजी की जो आयु है
वो अपन ने मानी थी x प्लस उनतीस, तो यहाँ हो जाएगा 17 प्लस कितने उनतीस, ठीक है, तो कितने 46 वर्ष, ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ दादाजी की आयु, दादाजी की आयु, और दादाजी की आयु कितनी है x प्लस 55, और x का मान कितना है आपके पास 17 प्लस 55, तो यहाँ हो गया 72 वर्ष। तो इसका मतलब बाईचुंग तो हो गया 17 वर्ष का, उसके पिताजी की आयु है 46 और दादाजी कितने वर्ष के हैं 72 वर्ष के हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, और आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे 12वां क्वेश्चन, तो क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 यह है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, तो रवि की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, माना रवि की वर्तमान आयु बराबर कितनी मान लें x वर्ष, और 15 वर्ष बाद आयु बराबर हो जाएगा x प्लस 15 वर्ष। आ गई बात समझ में, मतलब जो रवि की सॉरी याद रखा है क्वेश्चन की 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुणी हो जाएगी, तो यहाँ x है ये 15 वर्ष बाद x प्लस 15 हो जाएगा। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि 15 वर्ष बाद वर्तमान आयु का 4 गुना हो जाएगा, यदि उसकी आयु अब 5 वर्ष है तो 4 गुना 20 वर्ष हो जाएगा, 4 गुना ही दे रखा है, हाँ ठीक है। तो इसी प्रकार अपन क्या करें कि उसकी वर्तमान आयु तो है x और 15 वर्ष बाद है x प्लस 15, तो आपको ये पता है कि ये जो आयु है इसकी 4 गुना है, यदि दोनों को बराबर करें तो इसको या तो 4 से गुणा करो या फिर इसमें कितने से भाग दें 4 का भाग दें, तो गुणा कर देता हूँ इधर, तो यहाँ हो जाएगा 4x माइनस एक्स बराबर 15, तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 15, तो x बराबर 15 बटा 3, तो x बराबर कितना 5 वर्ष, ठीक है। तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या पूछा है आपको कि रवि की वर्तमान आयु, तो यहाँ पर बात करें कि रवि की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 500 वर्ष, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं वो देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करो। आसान सा क्वेश्चन है, समझने की बात है, देखिएगा समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन की बात करें, आप देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माना परिमेय संख्या कितनी मान ले, परिमेय संख्या अपन x मान ले, अपने मान ले कि कोई भी परिमेय संख्या कितनी है x है, तो अब क्या कह रहा है कि एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर, प्रश्नानुसार इक्वेशन बनाने किसी परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर, तो x गुणा 5/2 गुणा कर 2/3 जोड़ने पर, 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होते हैं, तो संख्या ज्ञात करो। देखो आसान सा क्वेश्चन है, सोल्व करना है, यहाँ यदि करें तो 5x/2 प्लस 2/3 बराबर -7/12, ये बात समझ में आ गई। 2/3 इधर ले जाएं क्योंकि x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ हो जाएगा -7/12 -2/3, 12 लघुतम ले लूँ, ठीक है, इसको सोलो कर रहा हूँ, तो 12 में 12 का भाग गया, एक एक को 7 से गुणा करें, माइनस का 7 है ही, 3 का भाग दिया 4, 4 × 8 माइनस का 8 हो जाएगा, यहाँ 5x/2x, तो यहाँ है 5x/2 बराबर 7 और 8 15 बटे कितने 12, यहाँ बात समझ में आ गई। अब देखो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि 5/2 गुणा एक्स बराबर -15/12, यहाँ x का मान ज्ञात करें तो ये 5/2 भिन्न है, ये जाएगी भाग में, तो भाग में जाके पलट जाएगी, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, देखिएगा यहाँ कर देता हूँ x बराबर -15/12 गुणा अंश हर में चला जाएगा और हर कहाँ आ जाएगा, अंश में आ जाएगा, तो 5 से काटें 5 × 3 = 15, 2 से काटें कितना 6 और 3 = 1 3 और 3 = 6, तो
एक्स बराबर माइनस एक बटा दो। तो जो परिमेय संख्या है उसका आंसर की वो कितना है, माइनस का एक बटा दो। समझ में आ रही होगी, यदि कोई प्रॉब्लम आती है ना तो वीडियो को रिवाइज करके जरूर देख लीजिएगा, जब लाइव खत्म हो जाए तो उसके बाद में वीडियो आपके पास उपलब्ध हो जाएगा तो उसको रिवाइज करके दोबारा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, और 14 क्या है कि लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, ठीक है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं, उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य कितना है, 4 लाख है। उनके उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं, तो देखिए ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो अपने को दे रखा है कि जो 100, देखो यहाँ क्या दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 14, 100 रुपये के नोट अनुपात, 100 रुपये के नोट अनुपात 50 रुपये के नोट अनुपात 10 रुपये। तो 50 रुपये के नोट अनुपात 10 रुपये के नोट, अनुपात कितना दे रखा है, 2:3:5। तो 2:3:5, इसका मतलब समझिए कि मैं यदि आपको ये कहूँ कि भाई मेरे पास है ना 100 रुपये के दो नोट हैं, 100 रुपये कितने नोट हैं, दो, तो आप क्या कहोगे कि सर आपके पास 200 रुपये हैं। हाँ तो ठीक है, यदि मैं ये कहूँ कि मेरे पास 100 रुपये के पांच नोट हैं तो आप कितना कहोगे, 500, मेरे पास कितने रुपये हो जाएंगे, 500। यदि मैं कहूँ कि मेरे पास 50 रुपये के पांच नोट हैं तो आप कहोगे सर 250 रुपये आपके पास हैं। तो इसी प्रकार अपन जो नोट दे रखे हैं उनका अनुपात दे रखा है, उस हिसाब से उनका मूल्य निकाल लेते हैं, उनका क्या निकाल लेते हैं, मूल्य। तो इसलिए क्या कर देता हूँ कि माना 100 रुपये के नोटों की संख्या, संख्या कितनी है, 2x। इसी प्रकार 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 3x और 10 रुपये के नोटों की संख्या बराबर कितनी, 5x। बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे फिर करते हैं कि 100 रुपये के, 100 रुपये के सभी नोटों का कुल मूल्य, कुल मूल्य कैसे भाई, कि उसके पास एक नोट का मूल्य है 100 रुपये, तो 2x नोटों का मूल्य कितना हो जाएगा, 100 × 2x बराबर कितना, 200x, ठीक है। इसी प्रकार 50 रुपये के सभी नोटों का कुल मूल्य बराबर 3×3x, सॉरी 50×3x बराबर 150x। इसी प्रकार 10 रुपये के सभी नोटों का कुल मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 10×5x बराबर कितना, 50x। तो 100 रुपये के कुल रुपए तो ये हैं, 50 रुपये के जो नोट है उनका कुल मूल्य ये है और 10 रुपये के जो नोट है उनका कुल मूल्य ये है। प्रश्न में कह रहा है कि उसके पास जो कुल राशि है वो कितनी है, 4 लाख रुपये। तो प्रश्नानुसार क्या है भाई, प्रश्नानुसार सभी का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, 4 लाख। तो यहाँ 200x प्लस 150x प्लस 50x बराबर 4 लाख, ठीक है। तो 200, 300 और 400, तो 400x बराबर कितने, 4 लाख, ठीक है। x का मान ज्ञात करें तो 4 लाख/400, एक एक दो एक दो, जब 4 से कटेगा तो 1000 आ जाएगा। तो x का मान जो आया वो कितना है, 1000। पूछा क्या है आपको कि उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं, तो यहाँ होंगे 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी मानी थी अपन ने, 2x, कितनी, 2x। तो 2×100 बराबर, सॉरी 1000 बराबर कितना, 2000। तो ये तो है 2000। फिर यहाँ पे बात करें 50 रुपये के सभी नोटों की संख्या, तो 3×1000 बराबर कितना, 3000, ठीक है। इसी प्रकार 10 रुपये के सभी नोटों की संख्या बराबर 5×1000 बराबर कितनी, 5000। ये क्या है उसके पास आंसर, मतलब ये है कि 100 रुपये के जो नोट हैं वो 2000 हैं, 50 रुपये के नोट 3000 हैं और 10 रुपये के नोट कितने हैं, 5000 हैं, इतने नोट हैं उसके पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15वां, और 15वां क्वेश्चन क्या है, ऐसा ही है कि मेरे पास 300 रुपये के 1, 2 और 5 रुपये के सिक्के हैं, 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है, तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। तो देखिएगा कैसे करेंगे इसको, समझना क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि मेरे पास कुल रुपए 300 है, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्के कितने हैं? देखो कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या बराबर 160। अब उसने ये कह दिया कि 1, 2 और 5 सिक्के, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो इसलिए देखिएगा, माना 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या बराबर कितनी मान लो x, तो यहाँ प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, देखना क्या है इसमें कि यहाँ क्या करेगी, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। मतलब जो 2 रुपए वाले सिक्के हैं उनका जो संख्या है वो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की कितनी है, तिगुनी है। तो इसलिए देखो तिगुनी कौन है, ये है, तो इसलिए इसको और इसको यदि दे रखा है तो इसका मान यदि 1 होगा, इसका मान यदि 3 होगा तो इसका मान 1 होगा, ठीक है, इसका मान 6 होगा तो इसका मान कितना होगा, 2 होगा। तो देखिए यहाँ मैं करूँ, यहाँ भी इसे भी सोल्व कर सकते हैं, कैसे, इसको x बटा कितना मान लें, 3 मान लें, लेकिन फ्रैक्शन बनेगी। तो आप फिर ये कहो कि यहाँ माना 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x मान लो, तो प्रश्न अनुसार 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3x, यही तो दे रखा है। अरे भाई यही तो दे रखा है कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की कितनी है, तिगनी है, तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 3x होगी। अब प्रश्न में दे रखा है कि सभी जो सिक्के हैं उनकी कितनी संख्या है, 160 है, तो इसका मतलब 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कैसे, टोटल है 160, उसमें से 5 रुपए और 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या माइनस कर दें तो x माइनस 3x, तो यह हो जाएगा 160 माइनस कितना, 4x। इतने जो सिक्के हैं वो 1 रुपए वाले सिक्के हैं। अब क्या कह रहा है कि जो सभी सिक्के हैं उनका कुल मूल्य, उनके पास क्या है, जो है किसके पास, एक मिनट, जो मेरे पास 3 रुपए क्या है, कुल मूल्य है। तो इसलिए देखना यहाँ 1 रुपए वाला सिक्का 160 माइनस 4x, तो एक से देखो जैसे ही बात है कि मैं कहूँ कि मेरे पास 1 रुपए के 5 सिक्के, तो आपको होगी सर 1 × 5 बराबर 5 रुपए हो गए। 2 रुपए के सिक्के हैं मेरे पास 10, तो 2 × 10 बराबर 20 हो जाएगी। अब मैं कहूँगा मेरे पास 5 रुपए के 10 सिक्के हैं तो 50 हो जाएंगे। तो इसी प्रकार 160 माइनस 4x गुणा 1 प्लस, इसी प्रकार 2 रुपए वाले सिक्के 2 × 3x प्लस 5 रुपए वाले 5 × x बराबर टोटल कितने, 300। तो यहाँ हो जाएगा 160 माइनस 4x प्लस यहाँ 6x और यहाँ 5x बराबर 300। तो यहाँ देखिएगा 6 और 5 कितने हो गए, 11, 6 और 5 कितने हो गए, 11, 11 में से 4 गया तो 7, तो यहाँ तो 7x बराबर 300 माइनस 160, ये 160 उधर चला जाएगा, तो यह आएगा 7x बराबर कितने हो जाएंगे, 140। तो यहाँ x बराबर कितना, 20, कैसे देखना, यहाँ हो गया x बराबर 140 बटा 7, तो x बराबर कितने, 20, एक्स बराबर कितने, 20 भाग लग जाएगा। तो पूछा क्या है कि मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, तो फिर 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी थी, 160 माइनस के 4x, तो हो जाएंगे 160 माइनस 4 गुना 20, तो इसलिए 160 माइनस 80 बराबर 80। तो जो 1 रुपए वाले सिक्के हैं उनका उनकी संख्या तो है आपके पास 80। यहां बात करें 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 3 × x, तो 20 और 60, और इसी प्रकार 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या बराबर कितनी, 20। आपको बात समझ में आ गई होगी। 15वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। और फिर देखो 1 रुपए वाले सिक्के हैं 80, 2 रुपए वाले सिक्के हैं 60 और 5 रुपए वाले सिक्के हैं 20, समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16वें क्वेश्चन की बात करें कि एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 2500 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए गए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 थी तो कुल प्रतिभागियों में 63 प्रतिभागियों विजेताओं की संख्या। तो देखिए आसान सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा होगा, देखो बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहे हैं। इक्वेशन बनानी है
और उसको सोल्व करना है, और सोल्व करना अपन ने लास्ट एक्सरसाइज में अपन ने पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो इसमें माना विजेता, विजेता विजेता बराबर कितने मान लें एक्स, एक मिनट, विजेता बराबर कितने मान लें एक्स, और टोटल प्रतिभागी कितने इसमें 63, तो जो विजेता के अलावा जो शेष बच गए वो कितने होगी 63 माइनस के एक्स, ठीक है। तो यहां देखिएगा तो यहां लिखता हूं कुल प्रतिभागी, पहले तो कुल प्रतिभागी बराबर कितने 63, ठीक है। तो यहां क्या करते हैं माना विजेता बराबर कितने एक्स, कितने एक्स। अगला क्या करा है कि शेष प्रतिभागी, ठीक है। तो यहां पे है कि शेष प्रतिभागी, शेष कितने बचे 63 माइनस एक्स ही कह रहा है, ठीक है। 63 देखो टोटल थे 63, उसमें से एक्स विजेता हुए तो शेष कितने बचे 63 माइनस एक्स। तो यहां क्या कर रखा है कि प्रत्येक विजेता को पुरस्कार राशि कितनी दी गई 100 रुपये, और शेष सभी को कितना 25 रुपये प्रति प्रतिभागी, ठीक है। और प्रत्येक प्रतिभागी विजेता को कितने दिए गए 100 रुपये, और टोटल जो आपके पास है वो 3000 रुपये है। इसलिए देखो विजेता कितने हैं x, तो x गुणा कितने 100 प्लस फिर कितने 1 को 25, और आपके पास है 63 माइनस एक्स बराबर कितने 3000, यही तो होंगे। तो यहाँ हो गए 100x प्लस यहाँ हो गया 25 × 3 = 75, 7 × 25 = 150, और 7 कितने हो गए 157 माइनस के कितने 25x बराबर कितने 3000। एक्स का मान निकालें तो यहाँ इसको सोलो करें आगे, तो यहाँ 100 में से 25 गए तो 75x बराबर 3000, ये प्लस का है तो माइनस का 1575। यहाँ यदि सोलो करें तो यहाँ बच जाएगा 75x बराबर, यहाँ बचेगा देखो 1425 बचेंगे क्या, ठीक है 5, फिर यहाँ 9 में से 7 गया तो 2, यहाँ 9 में से 5 गया 4, और यहाँ 1 हाँ 1475 एक्स बराबर सॉरी 25 1425 बटे 75, ठीक है। तो यह 25 × 3 = 75 और 125 हुए, और उसमें से आपके पास बच गया 17, ठीक है। तो 25 × 3 = 175, ठीक है 3 से काटें तो 19 × 57, तो एक्स बराबर कितने होगे 19। तो जो विजेता है वो विजेता कितने हुए 19, और यही तो पूछा था। तो आज जो अपन है वो शेष जो एक्सरसाइज थी किसमें, जो लास्ट वीडियो में अपन ने किए थे 1 से लेकर 8 तक, उनके आगे 9 से लेकर 16 तक इसमें क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को रिवाइज करके जरूर देखिए, और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको करवा दिया जाएगा। लगातार देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखते हुए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।